हेलो गाइज, सब्सक्राइब करें संचित फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 34 साइज के लिए ब्रा के कप्स की कटिंग करना और फिर उसको पूरा सील करके तैयार करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे पास फैब्रिक, इसको मैंने लिया है डबल फोल्ड में। और कितना लेना है 34 साइज के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि हमें 34 साइज के लिए ब्रा के कप्स बनाना बताइए। तो ये देखिए, ये मैंने लिया 10 स्क्वायर 9 का फैब्रिक लेना है सबसे पहले। और उसके बाद में इस तरह से जो देखिए, ये जो उरेप होती है ना बढ़ने वाली साइड, इस तरफ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी। यहां पे हम लेंगे देखिए 9 इंच के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई है 9 इंच के लिए, इससे आधा इंच ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, वो हम रखेंगे सिम के लिए। ये हो जाएगी सिम के लिए, ठीक है। ये दो लाइनें आप देख रहे हो, एक ये वाली, ये है सिम के लिए। अब हमें अपनी ब्रा की टोटल लंबाई चाहिएगी 7.5 इंच, ठीक है। तो ये मैंने 7.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। अब पहले इसका थोड़ा सा सेंटर इस तरह से बना लेते हैं हल्का सा, इसमें थोड़ी सी मैं गढ़ डाल देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। ये वाली है अपनी सेंटर लाइन, तो इस सेंटर लाइन को मैं एक बार ऐसे लगा देती हूं। इसका वैसे कोई मतलब नहीं है पर मेजरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे एक इंच यानी 1/4 इंच का चलिए हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, तो 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच इस तरफ, ये हम दो लाइन और खींच लेते हैं 1/4 इंच की दूरी से आपको दो लाइन। आप इस पैटर्न को पहले पेपर पे कटिंग कर लें, उसके बाद में ही आपको कपड़े पे कटिंग करना है, ठीक है। इस तरफ भी मैंने खींच दिया और ये इस तरफ भी मैंने 1/4 इंच की दूरी से एक लाइन खींच दिया है, ठीक है। अब इस तरफ वाला पार्ट लेंगे हम 4.5 इंच का, यहां से लेंगे हम जो सेंटर था ना, सेंटर भी पहले बता देती हूं मैं आपको। ऊपर से आपको लेना है 4.25 इंच पे ये सेंटर पॉइंट, ऊपर से 4.25 इंच पे, यहां से हम लेंगे इसको 4.5 इंच पे, इस तरफ से हम लेंगे इसको 4 इंच पे, ठीक है। 4 और 4.5 टोटल हो गए आपके 8.5 इंच का, ठीक है। यहां पे हम लेंगे इसको, ये जो लाइन है ना इस तरफ वाली, इस पे लेंगे हम 3.5 इंच का, और इस तरफ हम लेंगे इस लाइन से, इस तरफ हम लेंगे इसको, यहां से हमने 3.5 लिया है तो इस तरफ से हम लेंगे 4 इंच का, ये होगी यहां पे 4 इंच, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहले इस लाइन को हमें इस तरह से मिला देना है, एक लाइन खींच लेना है इसको हमें इस तरह से, देखिए थोड़ा सा गोलाई देते हुए हल्का सा, और इसमें मिलाना है इसी तरह से। निचली लाइन को भी हमें थोड़ी सी गोलाई लगा देनी है, ठीक है। अब यहां पे आपको चलना है, ये जो आपका पॉइंट है ना इस पे, इसको आपको ऐसे सीधा कर देना है, और इस तरफ का ये जो पॉइंट है इसको आपको ऐसे करना है गोलाई में। तो अब टोटल आपको लेंथ देख लेनी है, देखिए इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, ये है 1/4 इंच। तो इस तरफ भी हम 1/4 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे यहां पे, ये हो जाएगा अपना यहां पे कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपको इस सेंटर में मिलाना है इस तरह से हल्का हल्का शेप देते हुए, यहां पे ऐसे मिलाया देखिए, इस तरह से थोड़ा मिलाएंगे गोलाई लगाते हुए इस तरह से, और इस पॉइंट को हमें इसमें मिलाना है,
ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें इसमें मिलाना है, और इस पॉइंट को हमें इसमें मिलाना है, ये लीजिए। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, इसको आपको मेजरमेंट करना है कि बिल्कुल बराबर है ना। तो यहां से मैं इसको इस तरह से जांच लेती हूं कप्स के लिए, पूरा 7.5 इंच है, और इस तरफ से भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा है, 7.5 से थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, नीचे से थोड़ा कम कर देंगे। इस तरह से हम इसको कम करेंगे। ये जो लाइन थी ना, ये ऊपर आ गई है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइन यहां पे आ गई है, ठीक है। सेम इसी तरह से वापस इसको कर देते हैं, देखिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये हो गई है आपकी ये वाली लाइन, ये होगी आपकी ये वाली लाइन। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूं, कटिंग को भी जरा ध्यान से देखिएगा, ये आगे का पार्ट्स, और ये इस तरह से नेक लाइन की शेप हो गई है, और यहां से हम इसकी ऐसे गोलाई लगा देंगे। इसके बाद में हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे एक साइड के पार्ट्स को। ये कप्स आपने अच्छे से बनाना सीख लिया ना, तो आप कॉटन की ब्रा घर पे आसानी से बना सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ में। अब ये जो बीच वाला ना, ये वेस्टेज है, ये भी वेस्टेज है, इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, ये ऊपर वाली लाइन में कटिंग कर रही हूं, अब ये वेस्टेज मैं यहां पे निकाल देती हूं। और इसके बाद में गोलाई है जो साइड की, वो हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे ब्रा के दोनों कप्स जो है ना, वो कटिंग हो चुके हैं। ये देखिए, आपके ब्रा के कप्स इस तरह से होंगे 34 साइज के लिए। अब मैं आपको एक पार्ट्स को पहले स्टिच करके बताऊंगी, इसके बाद में हम बैक साइड की पट्टी और ऊपर वाली स्ट्रिप्स भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला ऐसे सिलना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है बिल्कुल बराबर में, ठीक है ना, ऐसे, और इस पे आपको एक सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से इसको इसके ऊपर रखना है और ऐसे एक सिलाई लगानी है। सिलाई आपकी कितनी होगी, जितना कि हमने इस तरह से हम नॉर्मली सिलाई लगाते हैं, वही हमारी एक फिट की सिलाई होगी यहां पे। इसी तरह से इस पे भी हम सिलाई लगाएंगे मार्क करके। तो मैं दोनों कप की स्टिचिंग करके फिर मैं आपको बताती हूं। देख सकते हैं, ये मैंने दोनों कप्स की सिलाई कर ली, पर यहां पे आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये मैंने क्रॉस कट यहां पे सीधी सिलाई की है दोनों साइड में। तो आपको जो नीचे से जो 3 इंच के ऊपर हमारा जो टक्स पॉइंट होता है ना, वहां तक आपको ऊपर से इसकी सिलाई इस तरह से सीधी करनी है। ये देखिए, नीचे से 3 इंच ये क्रॉस कट यहां पे आता है, तो यहां से जो सिलाई होती है ना सीधी, पहले मैंने आपको गोलाई में करके दिखा दिया है, उसके बाद यहां पे ऐसे क्रॉस कट सिलाई आती है, सीधी सिलाई आती है। तो ये हमारे दोनों कप्स बन करके रेडी हो गए। कप्स कैसे बने हैं वो भी जरा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे कप्स बने हैं, एकदम से साइज के बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये आपके दोनों कप्स हो चुके हैं यहां पे। अब मैं इन कप्स के ऊपर ये वाली लेस अटैच करने वाली हूं, ये वाली। तो मुझे क्या करना, देखिए, यहां से इसको मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए, और इस तरह से ये जो लेस है ना,
यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ पहले गोलाई में। पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिलाई करके दिखाती हूँ इसके ऊपर। तो ये देखिए, इस तरह से एक सिलाई से इसको फोल्ड कर लेना है कप्स को। उसके बाद में आपको इस तरह से इस पे लेस अटैच कर देनी है, इस तरह से एकदम फोल्ड करने के बाद जो है ना लेस अटैच करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसको भी हम मैं अटैच कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लेस अटैच होने के बाद जो कप्स होता है ना वो कैसे दिखता है, एकदम से प्रोफेशनल सा ये लगता है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने ये लेस लगा करके और ये बीच वाली सिलाई भी लगा दी है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए बिल्कुल दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए और ये सीधी सिलाई करनी है। ये नहीं कि ये देखिए ये जो मैंने आपको एक सिलाई दिखाई है ये वाली सिलाई इस तरह से नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आपने इस तरह से सिलाई की ना गलत हो जाएगा, सीधी सिलाई आनी चाहिए आपके यहाँ तक। तो ये सीधी सिलाई कर रही है यहां से और यहां से एक इंच का आपका फर्क होना चाहिए जो नीचे की एरिया है ना, क्योंकि हमने एक इंच का एक्स्ट्रा लिया था तो वो फर्क होना चाहिए। तो यहां से तीन इंच आ रहा है तो यहां से आपका जो है ना सेंटर से ये चार इंच आना चाहिए। तो ये मेजरमेंट आपकी जो कप्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा। अब देखिए हमें कप्स को थोड़ा सा सीधा करना है यहाँ पे, क्योंकि हम नीचे की पट्टी लगा रहे हैं। तो हम ये कप्स को आपको स्केल लेना है और बिल्कुल से ऐसे सीधा कर लेना है। तो आपके नीचे की जो पट्टी है ना वो आराम से आप इसी में भी पट्टी ज्वाइंट कर सकते हैं, पर सीधे में करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने नीचे से इसको सीधा करके जो एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल दिया है। अब हमारे कप्स देखिए आप बिल्कुल से परफेक्ट ब्रा के कप्स बनकर के रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको नीचे की जो बेल्ट पट्टी होती है ना वो बनाना बताती हूँ कि कैसे हम जो बेल्ट पट्टी है ना वो तैयार करें इसके लिए। तो बेल्ट पट्टी के लिए नीचे वाली जो होती है ना यहाँ पे जो हम अटैच करेंगे वो मैंने ली है 14.5 इंच की, यानी टोटल हो गई, ये डबल में है तो ये हो गई 29 की, ठीक है। अब हमें इसको कटिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है और ये जो इसका साइड है देखिए हम इस पार्ट्स को, ये जो इसका सेंटर है पट्टी का ये वाला सेंटर है इसको आपको ऐसे रखना है यहाँ पे, आपको इसको ऐसे ज्वाइंट करना है। बिल्कुल बराबर में अपने कप्स के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट कर लें। ये हो गया आपका यहां तक, ठीक है, ये हो गई हमारी। यहां पे हम इसके ऊपर में सिलाई का एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारी सिलाई का। ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगी हमारी बेक पट्टी। बेक पट्टी को हमें कैसे कटिंग करना है तो वो मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये यहाँ से आप चलेंगे और फिर इसको ऐसे करते हुए लगभग 1.25 से 1.5 इंच का आप यहाँ पे रख लीजिए। तो ये मैंने 1.5 इंच का रखा है। इस तरह से आपको बेक पट्टी को कटिंग करना है। ये सिम का रखती हुई मैं यहाँ पे इसको कट कर लेती हूँ। ये हो गई बेक और ये हो गया अपना फ्रंट। ये लीजिए ये बेक और फ्रंट हो गया। अब हम इसको इस तरह से लेंगे और कुछ इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, बीच की घड़ डाल देंगे बिल्कुल बराबर में। बीच की घड़ मैंने डाल दी है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये वाले पार्ट्स को यहाँ पे रख के एक सिलाई लगा देते हैं।
मैं आपको एक सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। इसको हमें इस तरह से यहाँ तक स्टिच करना है, इसको हमें यहाँ तक इस तरह से स्टिच करना है, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि गोलाई होगी ना तो ऐसे राउंड में घुमाते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो ये सिलाई मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको ऐसे करूंगी, ब्रा को थोड़ा सा ऐसे अंदर की ओर इसको फोल्ड कर दूंगी, ठीक है, और उसके बाद इस पार्ट्स को मैं इसके ऊपर लेके आऊंगी, ठीक है। और जैसे मैंने ये वाली सिलाई निकाली हुई है ना, सेम देखिए नीचे के पार्ट्स को बराबर में रखते हुए और पूरा ठेठ तक यहां तक मैं इसकी सिलाई करूंगी, और इस तरफ भी मैं यहां तक इसकी सिलाई कर दूंगी। देख सकते हैं मैंने सारी सिलाई निकाल ली है, और यहां से मैंने इसको थोड़ा सा ओपन रखा है इसको निकालने के लिए। तो अब मैं इसमें से इसको निकाल लूंगी। पहले हम इसको वन साइड निकालेंगे, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाता है, एकदम सिंपल तरीका है। तो इस तरह से आप इसे बाहर निकाल सकते हो। इसके बाद में हम इस तरफ से इसको निकाल लेंगे। धीरे धीरे करके हम इसको खींचते जाएंगे। सहज बहुत आसानी से ये बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी पट्टी जो है ना स्टिच हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी स्टिच हुई है, जो यहां से थोड़ा ओपन है ना ये वाला, यहां पे हम ऊपर की सिलाई इस पे लगा देंगे, पूरी बेल्ट पे ऊपर की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, हमारी कप्स भी कंप्लीट हो गए हैं, ब्रा भी बहुत ही खूबसूरत बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हुक और आई वाली वो जो रेडीमेड वाली आती है ना, वो डस्ट लगा देनी है। इस तरह से इसको अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करके और एक तरफ हुक वाली और एक तरफ आई वाली पट्टी लगा देनी है आपको, जो कि आपके इस तरह से आएगी। देखिए ये हो गई, यहाँ पे आपको हुक और आई की पट्टी हो जाएगी। अब हम लगाते हैं इस पे स्ट्रिप्स। तो डोरी आप कोई सी भी तैयार कर ले, इसी की भी आपको डोरी तैयार करनी है और उसकी आपको स्ट्रिप्स लगानी है। ये क्या है, जब स्ट्रिप्स बैक साइड वाली हुक और आई की पट्टी लगने के बाद ये कुछ इस तरह से बाहर निकल आएंगी, इस तरह से इतनी इतनी दोनों साइड से बाहर रहती है, और यहाँ पे आपकी हुक और आई की पट्टी जो है वो लग जाएंगी। मैंने लिए स्ट्रिप्स, ये मैंने कितनी लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिए है 18 इंच की, 18 इंच की। आप कम या ज्यादा कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, और इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है जितनी की आपको आवश्यकता है, फोल्ड करके इसके अंदर ऐसे डालना है। देखिए आप इसको चाहे जहां पे रख सकते हो, यहाँ पे इस तरफ कर सकते हो, इसके अलावा आप इसको इस तरफ कर सकते हो, चाहे जैसे इसको आप रख सकते हो। उसके बाद में आपको इसको यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमें चाहिएगी ये स्ट्रिप्स, इसके बाद में 6 इंच की ओर 4 इंच की हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहां से लेकर के ये 4 इंच की आपको ऊपर रखने, 4 साढ़े 4 इंच इतना ही, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये इतनी स्ट्रिप्स एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट कर देती हूँ। ये होगी हमारी स्ट्रिप्स। कम या ज्यादा करना हो तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रखें, उसे आप बड़ी या छोटी कर सकते हो। तो एक स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे लगाएंगे और एक सिलाई लगा देंगे, और दूसरी स्ट्रिप्स को हम यहां लगाएंगे और एक सिलाई कर देंगे। यहां पे हम लगा देंगे।
अब ये रहा हमारा बेक साइड का बेल्ट। यहाँ पे आप चाहे तो हुक और आई की पट्टियां लगा सकते हो, चाहे तो इस तरह का इलास्टिक लेकर के आप इलास्टिक का एक साइड यहाँ पे डालिए, सिलाई लगा दीजिए। आपको 2 से 3 इंच का इलास्टिक लेना है और फिर डाल देना है इस तरह दोनों तरफ में। इससे क्या होगा कि आपकी कमर कमियां ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि इलास्टिक जो होता है ना वो इस तरह से बढ़ जाता है, तो ये बढ़ जाएगा और कमर को मेंटेन कर लेगा। तो इस तरह से आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे ना वैसे आप इसको बना लें। तो ये लीजिए हमारी ब्रा कम्प्लीटली तैयार है। इसकी मैं ये वाली दोनों सिलाइयां लगा देती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।